जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल किसानों के एक कार्यक्रम में है वो सम्मिलित हुए, जहाँ पर उन्होंने किसान हितैषी बहुत सी योजनाओं के बारे में है वो चर्चा की, जिसमें से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से जो धान खरीदी का निर्णय लिया गया है आगामी 1 नवंबर से, उस पर भूपेश बघेल ने किसानों से चर्चा की और साथ ही जो किसानों को दिया गया ऋण है उस पर जो बढ़ोतरी हुई है और अभी जो KCC का लोन किसान ले रहे हैं उन सारी विषयों पर है वो चर्चा की। तो चलिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को उन्हीं के वाणी में सुनते हैं। बासमती का जियो टैग हो गया है, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम छत्तीसगढ़ के हमारे जो नगरी का जो दुबराज है और मरवाही और सरगुजा के जो जमा फूल है उसका भी जियो टैग हमने करा लिया है। अब जो विक्रय होगा, उत्पादन होगा, बीज चाहिए तो केवल छत्तीसगढ़ से मिल पाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ के वैज्ञानिकों को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को खूब बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसे सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं, ये बड़ी उपलब्धि है, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से यहाँ जिस प्रकार से हमारे किसानों को हमने थोड़ी सी सुविधा उपलब्ध कराई, आज देखिए कि 4 साल 5 साल पहले किसानों को ऋण केवल 3-3.5 हजार करोड़ मिलता था, आज वो बढ़ के 6-6.5 हजार करोड़ हो गया। हमने किसानों को उसकी उपज के लागत मूल्य दी 2500 रुपये क्विंटल किया, तो किसानों की संख्या में 4 सालों में उसकी संख्या दुगुनी हो गई, 12 लाख से 23.5 लाख हो गया। जो उत्पादन है जो 55-60 लाख था वो बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जमीन का जो रकबा है 23-24 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 31-32 लाख हेक्टेयर हो गया। कोदो कुट के रागी को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में हमने लाया और अब जब किसानों की जब डिमांड थी, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था तो बोले 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं उसके बढ़ा के 20 क्विंटल कर दीजिए और हमने बजट में इसको शामिल कर लिया है। अब अगले 1 नवंबर को जो धान खरीदी होगी उसमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। तो समझ लीजिए किसान खेती की तरफ से जो खेती से विमुख हो चुके थे, खेती की जो छोड़ चुके थे या तो अधिया रेखा दे रहे थे, वो सारे लोग अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले गांव से शहर की ओर लोग आते थे, अब गांव से शहर से गांव की तरफ लोग जाने लगे हैं और 12 लाख किसानों की वृद्धि हुई है। अभी 20 क्विंटल का जो फैसला है मैं समझता हूं बहुत क्रांतिकारी फैसला है, जिससे किसानों के तो लाभ मिलेगा, किसानों की संख्या रकबा में वृद्धि और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ऐसे समय में ये जो जैविक खेती है वो बड़ा कारगर होगा, क्योंकि हम जमीन में जितना हम रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालेंगे उतना ज्यादा जमीन खराब होगा। और जैविक खेती के रूप में जैसे कभी कमल पीत जी ने बताया कि 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम किसानों को दे चुके हैं, आने वाले समय में इसकी और वृद्धि होगी। अब जो लोग गोबर जब खरीदी के हम लोग शुरुआत किए थे, लोग मजाक उड़ाते थे, कोई राजकीय चिन्ह बनाने के कहते थे, कोई बोलते थे इसे लीटर में लेंगे कि किलो में लेंगे, इस प्रकार से बात करते थे। आज हमने गोबर न केवल खरीदी व्यवस्था की बल्कि 3.5 लाख लोग गोबर बेच रहे हैं और 115 लाख क्विंटल आज तक के गोबर बेच चुके हैं, 230 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुका है और 100 करोड़ से अधिक की राशि उन स्वसहायता समूह के और गौठान समितियों के खाते में पहुंचा है। तो लगभग 450 करोड़ का व्यापार इन 2 सालों में हमने खड़ा कर दिया है, ये बड़ी उपलब्धि है।